ये सब इस बात को लग रहे हैं उनके मंत्री जो है। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों पर खेत में पड़ जाता है, अगर उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पर ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये जिस तरह से ढूंढ कर रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश सारी फसलें धान की 700 से 800 900 रुपया में इन्होंने खरीद कर लिए। आज भी केएमसी के उत्पाद देखोगे हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश का आता है सेलों के अंदर, उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल और कानून बढ़ जा रही है। कानून की जानकारी किसान को नहीं है, उसके फसलों को आप खरीदोगे आप दे रेट में और कानून बढ़ जा बताओगे। मंत्री के बयान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते, इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो रहे हैं। अरे अभी तो यहां के नौजवान ने ये कहा कि हमारे बिल वापसी दे दो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी दे दो, अभी बिल वापसी की बात करी है। उसमें बात कर लो, हमारी कमेटी के लोगों से बात कर लो, कमेटी के लोग हैं हमारे, 40 आदमी है, सब लोगों ने हमसे विश्वास जताया है, हमारे लोगों पर खान पंचायत में विश्वास जताया, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने विश्वास जताया, यहां के किसानों ने विश्वास जताया है। खान पंचायतों का सपोर्ट जिस तरह से 40 लोगों को जो मेंबर है उनको मिला हुआ है, पूरे देश में ये जाएंगे ना, इन्हें दिल्ली से भेजा गया है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है आप गांव में जाकर बात करो। कली गए पहले जिनके इनको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए, पहले कोई बैठाने को जगह नहीं है इनकी गांव में कहीं पर। आप अपना एक रुकता बना कर रखो, एक बयान छोटा दीजिए उसको वहां पे दे दिया, वो गांव के लोगों का ज्ञान था, उन्होंने कहा था ये छोटराम जी ने कहा था कि अब इनके रेट बढ़ा दो नहीं तो पूरी फसल को जलवा देंगे। उनकी जो जयंती थी, उनका जो प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर, क्योंकि छोटराम जी पूरे देश के थे, ये कहा तो ये वक्त अभी नहीं आया कि किसान ने अपनी फसल की जुताई शुरू कर दी, ये वक्त नहीं आया अभी। अभी आंदोलन भी चलेगा, किसान खेत में काम भी करेगा और दिल्ली की पॉलिसी पर ध्यान भी रखेगा। ये सरकार को समझ आना चाहिए कि अगर किसान अपनी खस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान है उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। हमने कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है, जो हमारे 40 के 40 लोग जो जत्थेबंदी हैं ये पूरे हिंदुस्तान भर में लाएंगे। वहां पर ट्रैक्टर जितने भी ट्रैक्टर उन आंदोलन में शामिल होंगे उनकी संख्या 40 लाख होगी। पूरी दुनिया में अब किसान आंदोलन की पहचान ट्रैक्टर होगा, पूरी दुनिया में ट्रैक्टर से लोग आंदोलन कर रहे हैं, जा रहे हैं सब जगह। यहां पर पता भी नहीं 10-10 हजार ट्रैक्टर कर्नाटक पर निकले, यहां को जानकारी नहीं होगी क्योंकि कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, नई खबर आएगी यहां तक। झारखंड छत्तीसगढ़ सब लोग लग रहे, आप यहां से कॉल देते हो लोग वहां पर उसका इंतजाम करते हैं, लोग ट्रैक्टर का आंदोलन करते हैं, होगी उनकी संख्या। अरे दिल्ली में एक कॉल करा संयुक्त मोर्चे ने कि लाखों ट्रैक्टर आएंगे, आपने 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में उतार दिए, मतलब क्या जरूर था नौजवानों ने। ये ट्रैक्टर भी वही है और ये नौजवान भी वही है, ये किसान भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है। ये दिल्ली में बोल रहे ये किराए के ट्रैक्टर आए होंगे, ये ट्रैक्टर खुद के ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर वो है जो एनजीपी ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद कर दिए, ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलाकर दिखाए, ये वही ट्रैक्टर है। अगर ये बहुत से सवाल है, ये खाली 3 कानून नहीं है, बिजली अमेंडमेंट बिल, 2 पशु अगर
किसी के पास तो होंगे तो कॉमन सेंस का एक्शन लेना पड़ेगा। सीड मिल, बीज का कानून, बीज की पुलिस बनेगी, बिजली की पुलिस बन रही है, ये कौन से कानून ले पाना चाहते हैं? बहुत से कानून है जो अभी लेना पाना चाहते हैं। जब हमारी कमेटियां होंगी जो भारत सरकार से बातचीत करेगी, बहुत से सवाल है, ये मुकदमे हैं हमारे बच्चों के, एक बालकू को किसी पर ले जाके और उसको लाल किले की मंजिल पर बढ़ा दिया तो कई लोगों ने उसको बहका कर लेकर गए। अरे 35 साल से आंदोलन करते हैं दिल्ली में, सब कोई पार्लियामेंट में गया, भगवान कहते हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई गया लेकिन किसी बालक से ज्ञान दिलवाया शाम को 7 बजे और उसको भाई 13-14 घंटे बाद में वो लाल किले की चोटी को बैठा दिया ले जाए। अरे कहां ले जाना चाहते हैं दिल्ली को? भीख मांगा और व्यापारी दो चीज है, इनको देश गांव गली से कोई लगाव नहीं होता। अगर उसको भीख कम मिलेगी तो दूसरा मोहल्ला चुनेगा, जिस व्यापारी को एक काम में नुकसान होगा वो दूसरी जगह चला जाएगा, एक शहर से नुकसान होगा वो शहर छोड़ने में उसको उम्र नहीं लगती, उसको गांव बदलने में उम्र नहीं लगती, उसको काम बदलने में टाइम नहीं लगता। ये तो व्यापारी है व्यापारी, और इस तरह का व्यापारी है कि जो भूख पे व्यापार करना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं। जब देश का अनाज और रोटी तिजोरी में बंद होगी तो गरीब आदमी का क्या होगा? महंगाई कहां गई? डीजल के रेट कहां गए? पेट्रोल के रेट कहां गए? यह आंदोलन गरीब किसान का भी है जो दो पशुपाल का काम करता है, यह उस गरीब का भी है जो अनाज जिसको अनाज राशन पर मिलता है, यह आंदोलन उसका भी है जो 4.5 करोड़ लोग जो रेहड़ी पटरी पर अपना गुजारा करते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, यह आंदोलन उनका भी है। वे भी खत्म होंगे, साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे देश से, और मोल में सामान बिकेगा। जो साप्ताहिक बाजार में हमारी माताएं बहने 2 रुपए का कंगड़ा और 5 रुपए का सिंदूर का काम चलाती है, वो जब चमकीली दुकान में चल जाएगा शीशे का अंदर बंद हो जाएगा, वही जबकि 120 रुपए की मिलेगी। ये 4.5 करोड़ लोग हैं वे तो गरीब को बर्बाद करने का कानून है। ये कानून की नहीं है, इस तरह के बहुत कानून आने हैं। अगर अब ब्रेक नहीं लगा वे बेलगाम हो जाएंगे, इनके नाक फोड़ दी जरूरी है, नाक फोड़ दी। जो सबसे मरखड़ा होता था ना छोटा, जो वैसा सबसे मरखड़ा होता था वो अपनी खोल उठाता था, ये मरखड़े हो गए, इनको बहुत ताकत दे दी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत दे दी, इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बालक भी इन पे चलवाएगा तो ये जुताई बिल्कुल ठीक करेंगे, इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक फोड़ने की जरूरत है, ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापसी लेंगे, ये जो कानून बनाना चाहते हैं ये भी वापसी लेंगे। ये कहते हैं कि हम भगवान बन जाए, ये वहां से एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, चावल एक मुट्ठी चावल, हमने किसानों को मैसेज दे दिया वहां पे चावल की कीमत MSP पे, बंगाल का किसान का चावल भी बिकना चाहिए, आसाम के किसान का चावल भी बिकना चाहिए। जब MSP पे कानून होगा तो पूरे देश की फसलें बिकेगी, सरकार खरीदते हैं या व्यापारी खरीदते हैं, ये व्यापारी के बहुत संदर्भ है। ये कह रहे हैं कि व्यापारी खरीद नहीं करने का, अरे व्यापारी खरीद नहीं करने का, कोई और काम कर लेगा व्यापारी को, अगर उसको जरूरत होगी तो खरीद करेगा। आप उसमें कानून बनाओ, यहां पर दो चीजों की फसलों पर खरीद होती है, धान और गेहूं, बाजरे का खरीद नहीं होती, 23 फसलें हैं नहीं खरीद होती, जिसको भी खरीद करनी होगी कोई व्यापारी खरीद करेगा, उसके कम पे खरीद नहीं होगा, ये कानून बनेगा। यह आंदोलन कानून बनाने के लिए है, MSP पे कानून बने, यह आंदोलन किसान के हक हकूक की लड़ाई का आंदोलन है, किसान की पगड़ी उठाने की कोशिश करी, ये बर्बाद करेगा तुम्हें, ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह होगा ये, ये अपने उस पर रख लेना, मुकाबला है लुटेरों के आखिरी बादशाह का मुकाबला है, ये जाएगा यहां से छोड़कर भागना पड़ेगा, इसको तैयार रहना। हर क्रांति भी होगी देश में, हर क्रांति जब होगी क्या क्या चीजों का इस्तेमाल होगा वो ध्यान रख लेना, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे कब होगी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, वो हर क्रांति होगी कहां होगी वो बता देंगे, हल में क्या क्या चीज
बात होगी, उनका ध्यान रखना। बताइए आपको सुना या प्रेस वाले पूछेंगे आपसे, वो 6 सिंगार 12 सिंगार भी शामिल होगा, वो 6 सिंगार 12 सिंगार भी शामिल होगा, वो भी उसका नाम कुछ होगा, रोगा वो सिंगा, ये पूछते फिर जाएंगे। लेकिन गांव वालों को सब पता, तो हमको राजस्थान जाना है, वहां 4 घंटे का प्रोग्राम है, अभी ये मीटिंग चलते रहेंगे। हुड्डा यहां पे ही बढ़िया रागनी लगता है, इसके खिलाफ भी मुकदमे करती है, जो प्रेस वाले किसानों के संबंध में लिखे हैं उनका मुकदमे, अगर कोई रागनी का है उनका मुकदमे, कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में आ गया उसका मुकदमे। देखो उसको ऐसी जगह मांग रहा है जिससे हमसे हटी नहीं सकती, ठीक है। देश को हो मुकदमे 307 तो ऐसे लगा रहे, जिस पर प्रसाद बांटते हो कूड़े बांटते हो, मैं 307 भेजा, इनका इलाज होगा इलाज। एक का कील काट कर दिल्ली की जब जाने वक्त थी, एक का कील जो ठोकी है ना, ये एक का कील काट के जाने वाले की है, पंजाब से है, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपना मीटिंग चलाओ, पहलवान साहब है, हम यहाँ पे जा रहे हैं।